आपके प्रश्नों का जवाब मैं डायरेक्ट नहीं देना चाहता, आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लीजिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ाई की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद दिल्ली में आकर कुछ पढ़ाई की, एमटेक किया, भारत सरकार की नौकरी में लिप्त हो गया। भारत सरकार की नौकरी से मुझे 1997 में सेवानिवृत्ति मिली। मैं रिटायर होने के बाद अपने गांव चला गया, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग मुझे एक कॉल आया बेल्जियम से, और उस आदमी ने मुझसे ये पूछा कि आप मिस्टर वाईपी यादव हैं? मैंने बताया हाँ हूँ। तो आप क्या बॉम्बे या दिल्ली मीटिंग के लिए आ सकते हैं? मैंने उनसे थोड़ा सा इसके डिटेल पूछे, उसके बाद मैं तैयार हो गया और मैं दिल्ली की एक मीटिंग में आया। काफ़ी लड़के जुटे थे। दरअसल उस एनआरआई ने करीब 400 लोगों से उनके कंसेंट को इकट्ठा कर रखा था। उसने पूछ रखा था कि भारतवर्ष में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या आप भ्रष्टाचार मिटाने में हमारा सहयोग करेंगे? सबों ने कंसेंट दिया था कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। और वही उन्हीं बालकों की, उन्हीं लोगों की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि हम एक भारतीय राजनीतिक विकल्प की तलाश करें। तो उनके मुंह से ये निकली हुई बात, उसमें सिर्फ हम लोगों ने पार्टी जोड़ दिया और ये इस पार्टी का निर्माण हो गया, कहिए या कहिए कि शुरुआत हो गई। इसका नाम हुआ भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी। तब ये प्रश्न उठा कि इस पार्टी को कौन देखेगा? एनआरआई होने के नाते वो बेल्जियम से देख नहीं सकते थे, किसी न किसी को भारतवर्ष में ही अध्यक्ष बनना था और उसके बाद इसकी देखभाल करनी थी। पता नहीं कैसे उन लोगों के, युवकों के मन में ये आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। थोड़े से असमंजस के बाद मैंने कबूल कर लिया और इस पार्टी की शुरुआत हो गई। इसका संविधान बना, फिर हमने 400 लोगों में इसको सर्कुलेट किया, किसी के अच्छे मत आए, किसी ने बहुत ही एक्सेलेंट लिखा, किसी ने बहुत बढ़िया लिखा, और इस तरह से हमने काफ़ी लोगों के मत इकट्ठे किए। फिर एजेंडा बना और इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने 27 फरवरी 2012 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कर दिया। तो ये है शुरुआत की बात। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा व्याप्त है हर स्तर पे, चाहे वो युवक हों, युवतियाँ हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके सब इतने त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से कि कोई उपाय नहीं उन्हें दिख रहा है। आपने अभी अभी सुना होगा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ बन रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका, और सबों का मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है। वैसे क्षेत्रीय पार्टियां भी बहुत हैं जो अच्छी नहीं हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय पार्टियों की शक्ति बहुत ही कम है, उनके 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, इससे ज़्यादा एमपीज उनके नहीं हैं। मुख्य तो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जब हमने इस पार्टी का एजेंडा बनाया और सर्कुलेट किया, लड़कों से पूछा, युवाओं से, बुजुर्गों से कि आप बताइए आपको ये कैसा लगा, मैंने उस एजेंडा के माध्यम से एक देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। आपने अभी देखा, अभी देख रहे हैं, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है, और कितना हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद बिक्री होती है, कितनी खरीद फरोख्त होते हैं। अगर देश को इनसे छुटकारा पाना है, और साथ ही साथ आपने जो देखा होगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, या बीजू जनता दल है, इन सब पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये केंद्र सरकार से जुड़ते हैं, उनसे बार्गेन करते हैं, फिर इनको निकाला जाता है या फिर बुलाया जाता है। ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है, और इस सिलसिला के कारण भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने इस पार्टी के माध्यम से देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, और वो है राष्ट्रपति प्रणाली।
आप कहेंगे कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या चीज़ है, ये राष्ट्रपति शासन नहीं है, ये राष्ट्रपति प्रणाली है। यानी हमारे देश में एक कोई राष्ट्रपति होगा, या अगर आप चाहें तो उसका नाम प्रधानमंत्री भी रख सकते हैं, लेकिन इसका सिस्टम बिल्कुल फर्क है। अभी के पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं है कि पार्लियामेंट से जीत करके आते हैं MPs और वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा और उस राष्ट्रपति को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के अनुसार हम इसको नहीं बनाए हैं, हमने बनाया है कि हमारी पूरे भारतवर्ष की जनता वोट देकर राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। ये उन लोगों से फर्क है। इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया और इससे भ्रष्टाचार मिटाने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब देखिए कैसे सहूलियत होगी। आपको पता है कि अभी का प्रधानमंत्री के ऊपर, अभी के प्रधानमंत्री के ऊपर इतने दबाव होते हैं MPs का, कोई कहता है आप मुझे बनाइए मंत्री, कोई कहता है मुझे बनाइए, और इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है और बहुत सारा खेल चलता रहता है पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर। राष्ट्रपति, हम अगर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, हमारी राष्ट्रपति प्रणाली हमें लागू होती है इस देश में, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वो किसी यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर को बुला सकता है और अपने कैबिनेट में मंत्री बना सकता है, किसी कॉरपोरेट बॉडी से बुलाकर किसी अच्छे आदमी को